सो आज जो हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सबसे पहले इसका बेसिक आइडिया जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने फर्स्ट चैप्टर में नंबर लाइन पढ़ा था। अब हम नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, हाउ कैन यू मेक द नंबर लाइन। यदि हम नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन में हमारे पास ऐसा एक स्ट्रेट लाइन होता है, हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं यहाँ पर इस तरह से, जैसा कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इस तरह से आप एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, राइट। एंड तरह से आप एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं एंड इस स्ट्रेट लाइन में आप यहां पे जीरो को लेते हैं। जीरो से राइट हैंड साइड को क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू। आप यहां पे इक्वल इंटरवल पे 1 2 3 4 कंसीडर करते हैं यदि हम इंटीग्रल वैल्यू लें, एंड निगेटिव साइड पे -1 -2 -3 -4 को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एक नंबर लाइन, ठीक है। अब नंबर लाइन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है, देखो जो नंबर लाइन आपने लिया है, इस नंबर लाइन का जो हॉरिजेंटल नंबर लाइन है इसको हम XOX' से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसी नंबर लाइन को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं। आपको तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है और आप इस स्ट्रेट लाइन को ऐसा रोटेट कर दो 90 डिग्री पे, ये ऐसा बन जाएगा। तो हम हमारा जो जीरो है यहाँ तक हम इसको लेके आते हैं नंबर लाइन को, ये ऐसा बन जाएगा और ये हो जाएगा वर्टिकल। तो हमने क्या किया, हमने इस नंबर लाइन को ऐसा रोटेट कर दिया। तो एक तो एक्स अपनी जगह पर रह गया और इसका एक कॉपी हमने बनाया 90 डिग्री पर रोटेट करके, और ये वर्टिकल हो गया। इसको हम कहते हैं YOY'। अब आपने चूंकि रोटेट किया, आप देखिए ध्यान से देखिए, आपने इस तरफ रोटेट किया है तो ये पॉजिटिव साइड जो था एक्स एक्सिस का वो किधर चला गया, ऊपर की तरफ, और जो नेगेटिव साइड था वो किधर आ गया, नीचे की तरफ। तो इसका मतलब वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यू होती है एंड नीचे की तरफ निगेटिव वैल्यू होती है। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन। इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं जिसमें दो एक्सिस होती है, एक हॉरिजेंटल एंड एक वर्टिकल। यहाँ पे आप उल्टा नहीं कर सकते, ये बिल्कुल फिक्स है कि XOX' जो होगा ये हमेशा हॉरिजेंटल होगा एंड YOY' जो होगा ये हमेशा वर्टिकल होगा। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, उल्टा नहीं कर सकते, बहुत केयरफुली समझिए इस बात को। जो नंबर लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, द नंबर लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। तो इसको हम क्या नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल है ये एक्स एक्सिस है, एंड दिस वर्टिकल इज कॉल्ड वाई एक्सिस, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस, एंड दिस पॉइंट जहां पे दोनों इंटरसेक्ट हुए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए आप डेफिनेशन को समझिए। ओरिजिन का डेफिनेशन क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। वट इज एक्स एक्सिस, द हॉरिजेंटल एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस विच इज रिप्रेजेंटेड बाई XOX', एंड द वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस विच इज रिप्रेजेंटेड एज YOY'। एंड कई बार एक्स एक्सिस को हम लोग, कई सारे बुक में आप डिफरेंट स्टेटमेंट भी देखोगे, एक्स एक्सिस को हम लोग अब्सिसा भी कहते हैं, अब्सिसा। एक्स एक्सिस कैन ऑल्सो भी रिटेन एज अब्सिसा एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो कई बार क्वेश्चन में ये भी लिखा रहता है कि अब्सिसा ये है एंड ऑर्डिनेट ये है, तो वट डू मीन बाई अब्सिसा, अब्सिसा इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट इज कॉल्ड वाई एक्सिस। अब ये जो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया है,
इन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बात हमें समझनी है। हमने नंबर लाइन पे एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करना सीखा था, यहाँ पे हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। वो कैसे आप देखें, सबसे पहले जब भी आप स्मॉल ब्रैकेट के अंदर टू वैल्यूज को लिखते हो और उसको कॉमा से सेपरेट करते हो, इसका मतलब इसका जो फर्स्ट ये पार्ट है इसको हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज कॉल्ड एब्सिसा, दिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट कहा जाता है। एंड ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, इसको हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ये उल्टा नहीं हो सकता, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो जब भी किसी क्वेश्चन में आप एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप दूसरा ब्रैकेट लगाओगे तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बिल्कुल नहीं होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दो रियल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है एंड सेकेंड पार्ट वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, दिस 2, 3 cannot be equal to 3, 2. This ordered pairs cannot be equal to 3, 2. Why? Because यहाँ पे अब उल्टा हो गया, अब x coordinate 3 and y coordinate 2 है। यदि इस बात को आपको और ठीक से समझना है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से, एक डायग्राम से बताता हूँ। अब देखिए, हमारे पास ये x एक्सिस है, मान लो ये हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है, इसको हम हॉरिजॉन्टल बनाते हैं और ठीक 90 डिग्री पे हम y एक्सिस बनाते हैं। आप स्केल से बनाइएगा, मैं ऐसे रैंडमली बना रहा हूँ, आपको स्केल से ही बनाना है। अब देखिए, यहाँ पे ये ओरिजिन हो गया क्योंकि दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y एक्सिस। अब यहाँ पर यदि हम 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, क्यों? क्योंकि x एक्सिस का पॉजिटिव साइड इक्वल इंटरवल पे आप स्केल से एग्जैक्ट कंसिडर करोगे, आपके पास स्केल होगा तो रूलर है उससे एग्जैक्ट कंसिडर करोगे एंड y एक्सिस का पॉजिटिव साइड ऊपर की तरफ होता है एंड नेगेटिव साइड नीचे की तरफ होता है। अब क्वेश्चन ये है, हाउ टू रिप्रेजेंट द ऑर्डर पेयर, हाउ टू रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था 2, 3 और मैंने कहा था कि ये जो 2 है ये एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 3 है वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 2 कहाँ पे, एक्स एक्सिस में 2 कहाँ पे? अब देखिए, आपको देखना है कि एक्स एक्सिस में 2 कहाँ पे है, ये x एक्सिस का 2 है एंड y एक्सिस का 3 कहाँ पे, ये y एक्सिस का 3 है। अब ऐसा करो कि अब देखो, आप x एक्सिस का 2 एंड y एक्सिस का 3, इन दोनों से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और देखो ये दोनों परपेंडिकुलर कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, दैट इज द कोऑर्डिनेट पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड 2, 3। सो वी कैन ड्रॉ द परपेंडिकुलर, ये इसको हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ऐसा 2 पे एंड 3 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और देखेंगे ये दोनों परपेंडिकुलर कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द परपेंडिकुलर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी कैपिटल लेटर्स एंड विद इन ब्रैकेट 2, 3, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट। इस तरह से हम किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट, किसी भी रियल नंबर के ऑर्डर्ड पेयर्स को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे दोनों पॉजिटिव लिया था, इसी क्वेश्चन में यदि मैं कहता हूँ एक काम करो -1, 3 को रिप्रेजेंट करो, -1, 3 मैं क्या करूँ? अब ध्यान से देखिए, -1, 3 तो -1 कहाँ पे लेना है, एक्स एक्सिस पे लेना है और 3 कहाँ पे लेना है, वाई एक्सिस पे लेना है। तो आप पहले इस पूरे कोऑर्डिनेट एक्सिस को देखिए कि एक्स एक्सिस पे -1 कहाँ पे आता है, ये देखिए, दिस इज द -1 ऑन एक्स एक्सिस एंड y एक्सिस का 3 ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिया हुआ है। अब इन दोनों से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर अब किस साइड में जाएगा, अब ये परपेंडिकुलर जो है x डैश वो y में चला जाएगा, ये देखिए, एंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी कैपिटल लेटर, हमने b से रिप्रेजेंट किया है, इसका ऑर्डर पेयर -1, 3 है। इस तरह से आप किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि -1, 3 जो है ये कौन से
क्वाड्रेंट प्लेन में, कौन सा क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे क्वाड्रेंट बन रहे हैं, 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं। सबसे पहला क्वाड्रेंट बन रहा है एक्स ओ वाई, अब यहाँ देखिए एक्स ओ वाई। दूसरा क्वाड्रेंट बन रहा है एक्स डैश ओ वाई, हमेशा एक्स को पहले वाई को बाद में लिखते हैं, एक्स डैश ओ वाई। तीसरा क्वाड्रेंट बन रहा है एक्स डैश ओ वाई डैश, इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं, एक्स डैश ओ वाई डैश। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है एक्स ओ वाई डैश, ये क्या बन गया, एक्स ओ वाई डैश। इन सभी को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेंट, इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं और इन चारों क्वाड्रेंट का नाम होता है। वो नेमिंग हम कैसे करते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्स एक्सिस को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो हम वाई एक्सिस बनाते हैं। तो कौन से डायरेक्शन में करते हैं, एंटी क्लॉक में। इसलिए आप एक्स एक्सिस शुरू करो, सबसे पहले ये पहला जो 90 डिग्री है इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा जो 90 डिग्री है इसको हम कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, तीसरा जो 90 डिग्री है इसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ जो 90 डिग्री का रोटेशन है इसको हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये इसका नेमिंग है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमेशा ओ एक्स से स्टार्ट करेंगे, ओ एक्स इज द बेस एक्सिस, एंड ओ एक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले जाओ। सबसे पहला जो 90 डिग्री होगा दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यदि आपसे कोई पूछा जाए ये पॉइंट -1, 3 किस क्वाड्रेंट में है, तो आप क्या कहोगे, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। 2, 3 किस क्वाड्रेंट में है, तो ये कहोगे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आरी बस सुन, इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जितने भी पॉइंट होते हैं उसका एक्स एंड वाई ये दोनों ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। क्यों, देखिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव, एंड वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स नेगेटिव एंड वाई नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होता है। इस बात को रटने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक्स एक्सिस नेगेटिव एंड वाई एक्सिस भी नेगेटिव होता है, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये रटना नहीं है, आपके दिमाग में एक डायग्राम बनना चाहिए, रफ में एक डायग्राम बनाओ और फिर इस डायग्राम को देखो कि ये माइनस और माइनस कहाँ आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। हाउ कैन बी रिप्रेजेंटेड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, स्टार्ट विद ओ एक्स एक्सिस इन मूव टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट विल बी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, अगेन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, राइट। एंड एक्स ओ वाई डैश मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, सी द फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे एक्स एक्सिस कैसा है, पॉजिटिव, एंड वाई एक्सिस कैसा है, नेगेटिव, ये क्या बन गया, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड एक्स ओ वाई डैश। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ऐसा नहीं कि आप पॉइंट को देखो रट लो कि हमने एक पॉइंट पूछा -2, -3 कहाँ पे, रटना नहीं है। -2, -3 आप दिमाग में इमेज बनाइए या रफ में एक डायग्राम बनाइए, वेर इज -2, -3, दिस इज -2 एंड दिस इज -3, लाइज इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। यदि आपसे क्वाड्रेंट पूछा गया है तो आप सीधा बिना डायग्राम बनाए आप सीधा इसका नाम लिख सकते हो कि थर्ड क्वाड्रेंट में। बट आपसे कहा जाए कि पॉइंट को रिप्रेजेंट करो क्वाड्रेंट एक्सिस पे, तो आप फिर से क्या करोगे, -2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे जो कि एक्स है, एंड -3 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, दोनों परपेंडिकुलर कहाँ मिलेगा, दिस इज कॉल -2, -3। इस तरह से हम किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बात सामने आती है, यदि आपसे कहा जाए, आपने कहा कि एक्स ओ वाई जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फिर आपने कहा एक्स डैश ओ वाई जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, फिर आपने कहा एक्स डैश ओ वाई डैश जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड फिर आपने कहा एक्स ओ वाई डैश जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। बट यदि आपसे कोई क्वेश्चन कहा जाए कि एक काम करो आप ये बताओ 3, 0 कौन से क्वाड्रेंट में है, अब तुम फंस गए। ये तो हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे थे, हमने कहा था ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, हमने कहा था ये नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, हमने कहा था ये नेगेटिव होना चाहिए और ये पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ 3, 0, तो 3 तो पॉजिटिव है पर 0 क्या है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। तब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जब किसी क्वेश्चन में ऐसे पॉइंट मिलते हैं जो नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव है मतलब 0 है, तब उसको हम क्या कहते हैं, तब ये पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में नहीं है,
ये पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट एक्सिस के ऊपर है। यदि मैं इसको 1, 2, 3, 4 लेता हूँ, 1, 2, 3, 4 आप एग्जैक्ट स्केल से ही कंसिडर करोगे जब भी आप डायग्राम बना रहे हो। तो यदि मैं कहता हूँ 3, 0 कहाँ पर है, तो आप क्या कहोगे, आपको कहना पड़ेगा जो 3, 0 है वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, वो एक्सिस के ऊपर है। कौन सा एक्सिस के ऊपर? एक्स, क्योंकि इसका वाई क्वाड्रेंट 0 है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन मिला कि बहुत सारे पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो सकते हैं। अब जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होंगे उसका जो एक्स क्वाड्रेंट होगा वो कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर होगा, बट वाई क्वाड्रेंट हमेशा 0 होगा। सो व्हाट इज द वाई क्वाड्रेंट ऑफ एक्स, द पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है उसका वाई क्वाड्रेंट क्या है। आप कहोगे द पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस विद वाई क्वाड्रेंट इज 0। जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है उसका वाई क्वाड्रेंट 0 होता है। और इस पॉइंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, दिस द पॉइंट 3, 0, ये पॉइंट 3, 0 है। आ रही बात समझ में? अब इसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि -3, 0 कहाँ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप प्लस की जगह पे माइनस को ले लो। तो -3, 0 कहाँ है, निगेटिव एक्स एक्सिस पे ऊपर है। तो आपने देखा पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो, बट यदि वाई क्वाड्रेंट निगेटिव है तो ये पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस है। यही पे यदि मैं कहता हूँ कि पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस कैसा होता है, तो यहाँ पे आप कहोगे इसका एक्स क्वाड्रेंट 0 है और वाई क्वाड्रेंट कोई भी पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू हो सकती है। यदि आपसे कहा जाए कि आप बताइए 0, -2 कहाँ है, 0, 0 एक्स एक्सिस है, 0 है, वाई एक्सिस क्या है, -2। तो वाई एक्सिस पे -2 को देखो, दिस द पॉइंट, दिस द पॉइंट बी विच कैन बी रिटन एज 0, -2, दिस पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस। तो पॉइंट यहाँ पे दो तरह के आपने देखे, एक तो पॉइंट वो देखे जिसमें कि दोनों ही नॉन जीरो होगा, वो किसी न किसी क्वाड्रेंट में होगा, पॉजिटिव निगेटिव को देख के पता चलेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है। बट यदि उस दोनों में से एक 0 है, यदि वाई 0 है तो पॉइंट लाइन एक्स एक्सिस, और एक्स 0 है पॉइंट लाइन वाई एक्सिस। अब इसी बात को अदर स्टेटमेंट में, यदि ऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट एक्स एक्सिस का है, एंड अब सीसा 0 है तो पॉइंट वाई एक्सिस का है। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपको लॉजिक समझना है, बहुत इजी चैप्टर है। यदि आप पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्वाड्रेंट का नाम को सीख गए तो इस चैप्टर में और कुछ नया नहीं है। नाउ यदि किसी क्वेश्चन में दोनों ही 0 है, आपने देखा एक 0 आ रहा था, यदि दोनों ही 0 है तो उसको हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन इज अ पॉइंट व्हिच एक्स एंड वाई क्वाड्रेंट बोथ आर 0। यदि आपसे पूछा जाए ये बताओ कि 0, 0 कहाँ है, आप क्या कहोगे, ये जो है ओरिजिन के ऊपर है। एग्जैक्टली 0, 0 कहाँ है, ओरिजिन के ऊपर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट को किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। अब आपसे दो तरह का क्वेश्चन पूछा था, एक तो क्वेश्चन ये होगा कि पॉइंट दिया हुआ है रिप्रेजेंट करो या कोऑर्डिनेट बताओ, दूसरा क्वेश्चन कि कोई डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम को देख के आपको बताना है कि उसका पॉइंट क्या होगा। तो पहले एक्स एक्सिस को लिखोगे और फिर वाई एक्सिस को लिखोगे। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखता हूँ। यदि हम आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि ये सभी पॉइंट को देख करके आपको इसका कोऑर्डिनेट बताना है। क्वेश्चन 2 डायग्राम देख लोगे। क्वेश्चन 3 लोकेट द पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्वेश्चन 4 इन विच कोऑर्डिनेट डेप्थ दीज पॉइंट्स आर लाई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट। अब यहाँ पे कुछ 3 पॉइंट दिए हुए हैं। अब ये जब भी किसी क्वेश्चन में ऑर्डर पेयर्स या कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है, यू हैव टू रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सबसे पहले उन पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करिए, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ए दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट 2, 0 है, पॉइंट बी दिया है जिसका कोऑर्डिनेट 6, 0 है, एंड पॉइंट सी दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट 4, 6 है। और आपसे कहा जा रहा है कि इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया फाइंड करिए। कैसे करोगे, देखिए सबसे पहले हम इन पॉइंट को कंसीडर करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे नेगेटिव है नहीं तो नेगेटिव को लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 2, 0, वेयर इज 2.0 लाई।
2.0 कहाँ पे होगा, ये देखिए, दिस इज द पॉइंट विच कैन बी रिटेन ए 2.0। सेकेंड पॉइंट बी 6.0 कहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे वाई कॉर्डिनेट 0 है, पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, या दिस द पॉइंट, दिस द पॉइंट बी विच कैन बी 6.0। वेर इज 4.6, अब देखिए 4.6 एक्स एक्सिस का 4, वाई एक्सिस का 6, देखिए 1, 2, 3, 4 एक्स एक्सिस का 4 एंड वाई एक्सिस का 6, 1, 2, 3, 4, 5, ये देखिए, तो ये दोनों कहाँ मिलेगा, ये देखिए, ये देखिए, ये आप 6 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एंड 4 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, और ये आपको स्केल से ही करना है, मैं रैंडमली कर रहा हूँ, आपको ये काम स्केल से ही करना है। ये दोनों कहाँ मिला, ये दोनों जहाँ मिला, दिस इज द पॉइंट विच इज कॉल्ड पॉइंट सी विच इज कॉल्ड 4.6। तो ये पॉइंट क्या है 4.6, ये पॉइंट क्या है 2.0। अब पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आप सीख चुके हो, पॉइंट रिप्रेजेंटेशन करने के बाद आपको ट्राइंगल बनाना है, तो आप इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करिए एंड ज्वाइन करके क्या बनाइए, एक ट्राइंगल बनाइए। आप यदि इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके ट्राइंगल बनाते हो, और वो ट्राइंगल कैसा बनता है देखो, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आप इसको स्केल से बनाइएगा, आपको एग्जैक्ट मिलेगा। ये देखिए, ये थोड़ा इधर उधर हो गया, मैं इसको फिर से दोबारा बनाता हूँ। आप स्केल से बनाओगे तो आपको एग्जैक्ट डायग्राम मिलेगा। आप मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन करता हूँ, ऐसा ज्वाइन करता हूँ, ये देखो अप्रॉक्सीमेट बना रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट बनाना है स्केल से। ये देखिए, तो हमारे पास ये ए बी सी को हमने ज्वाइन कर दिया और ये ट्रायंगल बन गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब ये ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कैसे फाइंड करोगे, आप इस पॉइंट को डी मान लो, तो क्या कहोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे बेस कितना है, ए बी, देखिए डायग्राम को, बेस क्या है, दिस द बेस ऑफ द ट्राइंगल एंड वट इज परपेंडिकुलर सी डी। अब आपको देखना है कि ए बी का लेंथ कितना है। अब ये लेंथ कैसे पता चलेगा, डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, ये 2 यूनिट है और ये 6 यूनिट है, ओरिजिन से ये लेंथ 2 यूनिट है और ये 6 यूनिट है, तो ये लेंथ कितना है, 1, 2, 3, 4। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, तो कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया। सी एंड डी के बीच का डिस्टेंस कितना है, अब देखिए सी एंड डी, यहाँ पे देखिए ये एक्सिस पे चले जाते हैं, यहाँ से सी एंड डी वाई एक्सिस के लोग, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये इसका पैरेलल लाइन है, सी डी इज पैरेलल टू ई ओ, सी डी इज पैरेलल टू ई ओ, तो सी डी और ई ओ इक्वल होगा। आप ई ओ में काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका कितना डिस्टेंस, 6 यूनिट है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 2, 4 से कैंसिल हो गया, तो 6, 2 जा 12। जब भी आप एरिया फाइंड कर रहे हो, आंसर को स्क्वायर यूनिट्स में लिखना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहली बात पॉइंट रिप्रेजेंट करो। पॉइंट रिप्रेजेंट करने के बाद आपसे जो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसका आंसर कर पाओगे, इसमें कोई नई बात, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा, हाउ टू मेक द स्ट्रेट लाइन, हाउ टू मेक द ग्राफ फॉर लीनियर इक्वेशन, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपके असाइनमेंट से आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के एंड क्वेश्चन नंबर 8 तक ये सारे क्वेश्चन को जरूर कंप्लीट करिए। हालांकि आगे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन 10 तक करिए पहले, फिर मैं अगली क्लास में और कुछ नई चीज़ें आपको बताऊँगा, उसके बाद हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, आप क्वेश्चन 1 to 10 तक करिए, और यदि आपको कोई भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9476080120 पे।